तो दोस्तों, चमत्कार तब होने लगते हैं जब आप अपने सपनों को उतनी ही ऊर्जा देते हैं जितना आप अपने डर को दे रहे होते हैं। हेलो एवरीवन, स्टडी एस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा। और वापस आ गया हूं आप लोगों के लिए द हिंदू की खबरों के साथ। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 27th और 28th ऑफ जनवरी 2020 की द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, 27th ऑफ जनवरी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली खबर हमें पेज नंबर 1 पे देखने को मिली, जहां पर रिपब्लिक डे परेड में इंडिया ने अपनी एसैट मिसाइल पावर को शोकेस किया। एसैट, एंटी सैटेलाइट मिशन, जिसको हम लोग कोड वर्ड मिशन शक्ति के नाम से भी जानते हैं। मिशन शक्ति की शुरुआत तो असलियत में फरवरी 2019 के अंदर ही हो गई थी, जब इसरो ने डीआरडीओ का माइक्रोसैट आर लॉन्च किया था। ऑल्दो यह पहली सैटेलाइट थी जब यहां पर इसरो के पास सैटेलाइट के बारे में ही कोई जानकारी नहीं थी। उसके बाद इन द मंथ ऑफ मार्च मिशन शक्ति जब फाइनली सफल हो गया, हमारी एक बैलिस्टिक मिसाइल, एंटी सैटेलाइट मिसाइल स्ट्राइक किया किया उसने माइक्रोसैट आर को और पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इंडिया ने अपनी कैपेबिलिटी दिखाई कि जो भी यहाँ पर सैटेलाइट हमारे ऊपर सर्वेलेंस करने की कोशिश करेगा, हमारे पास शक्ति है उसको यहाँ पर मिट्टी में मिलाने की। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने अपने न्यू री इंडक्टेड चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर को भी हम लोगों के लिए सामने रखा। डीआरडीओ ने यहाँ पर एसेट मिसाइल के साथ साथ एयर डिफेंस टैक्टिकल कंट्रोल रडार को भी सबके सामने शोकेस किया। आपके लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड विद एक्स्ट्रा न्यूज़, व्हाट इज एसैट मिसाइल? एसैट एक इंटरसेप्टर मिसाइल है जो कि डिस्ट्रॉय कर देती है या जैम भी कर सकती है सैटेलाइट्स को। बेसिकली एसैट जो मिसाइल्स होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। पहली होती है काइनेटिक एसैट, ओके, एक तरीके की बैलिस्टिक मिसाइल होती है, फिजिकली स्ट्राइक करती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसके उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी होती है नॉन काइनेटिक एसेट, ये वो होती हैं जो कि नॉन फिजिकल मीन्स की मदद से डिसेबल कर देती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं स्पेस ऑब्जेक्ट्स को, या फिर जैसे जैमिंग कर देती हैं, ठीक है, लेजर्स का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, साइबर अटैक्स जो होते हैं तो उस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। जो थियोरेटिकल मैक्सिमम रेंज है एसेट की वो लिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड रेंज नहीं है। सिर्फ उन्हीं सेटेलाइट्स को ये निशाना बना सकती है जिनकी यहाँ पर ऊंचाई सिर्फ 20,000 किलोमीटर तक की है। इंडिया ने अपने एसेट मिसाइल टेस्ट 27 मार्च 2019 को किया था, जब हम लोगों ने एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ओडिशा से। एसेट मिसाइल को डेवलप किया यहाँ पर DRDO ने अंडर द प्रोजेक्ट मिशन शक्ति। गाइस याद रखना आप लोग, इंडिया चौथा देश, इंडिया बिकेम द फोर्थ कंट्री जिसके पास इस तरीके की टेक्नोलॉजी है आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना। जो एसेट टेक्नोलॉजी है उसके पास हिट एंड किल फीचर है विच इज़ डेवलप्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया। इट अनेबल्स टू डिस्ट्रॉय एन एनिमी सेटेलाइट बाई डायरेक्टली कोलाइडिंग विद इट विद अ पिन पॉइंट एक्यूरेसी। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि रिपब्लिक डे परेड में हमारे सामने आई, उसे बोलते हैं एयर डिफेंस टेक्टिकल कंट्रोल रडार। गाइस, एयर डिफेंस टेक्टिकल कंट्रोल रडार एक वॉल्यूमेट्रिक सर्विलियंस, डिटेक्शन, ट्रैकिंग, फ्रेंड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियल टारगेट्स, इन सब के लिए इस्तेमाल होता है कि जो एरियल टारगेट्स हैं उनको हम लोग अच्छी तरीके से डिटेक्ट कर सकें। साथ ही इट इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ डिटेक्टिंग वेरी स्मॉल टारगेट्स एंड लो फ्लाइंग टारगेट्स। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ, जो MG NREGA स्कीम से लिंक करती है। GS Paper No. 2 और GS Paper No. 3 का एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की फिनेंशियल स्टेटमेंट हमारे सामने 26 जनवरी 2020 को आ गई। स्टेटमेंट के हिसाब से 96% जो पैसा एलोकेट किया गया था उसका 96% इस फिस्कल ईयर का खर्च हो चुका है। अभी भी 2 महीने बाकी हैं और सिर्फ 2500 करोड़ रुपए हमारे पास बचे हुए हैं। बजट एलोकेशन के समय पर भी हम लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे। जो बजट एलोकेशन था 2019 का फॉर दी MG NREGA स्कीम वो 60,000 करोड़ रुपीज़ था, जो कि 2018 में जो हम लोगों ने पैसा खर्च किया MG NREGA के ऊपर उससे भी कम था। यहाँ पर आप खासकर गाइस राजस्थान और उत्तर प्रदेश को देखो, ये स्टेट्स तो डेफिसिट में चल रहे हैं। उससे रिलेटेड ये आर्टिकल हम लोगों के लिए सामने आया कि या तो स्टेट गवर्नमेंट ने वेजेस पे नहीं करी हैं वर्कर्स को
और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी फंड रिलीज नहीं किया है। यहां पर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, खासकर प्रॉब्लम है सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल के अंदर, जो कि पिछले 2 साल से मिली ही नहीं है। इस काउंसिल को हर 6 महीने में मिलना होता है। सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल एक फॉरम है जिसको हम लोग सेक्शन 10 अंडर क्लॉज 3 सबसेक्शन डी ऑफ द मनरेगा एक्ट 2005 के अंदर फॉर्म करते हैं। ये जो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल है, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर सेंट्रल मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएटिंग सिस्टम फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। स्टेट वाइज राजस्थान के पास नेगेटिव नेट बैलेंस है 620 करोड़ रुपीज का, उत्तर प्रदेश का 323 करोड़ रुपीज का। कुछ स्टेट्स के पास तो फंड ही रिमेनिंग है, वो यहाँ पर डिमांड को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं। गाइज यहाँ पर एक चीज़ आप लोग याद रखो, मैं आपको मूव ऑन कराता हूँ MGNREGA स्कीम की तरफ। गाइज इस स्कीम का मकसद था लाइवलीहुड सिक्योरिटी ऑफ रूरल पीपल, इसके साथ साथ फूड सिक्योरिटी इसका एक मकसद था, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसका एक मकसद था, जिसमें यहाँ पर 100 डेज की गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दी जाती है। गाइज इसी स्कीम के अंदर आप याद रखो कि रूरल लोगों को और अनस्किल्ड, सिर्फ अनस्किल्ड वर्क्स के लिए यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो दी जाती है। जिस तरीके से आज के इकोनॉमी का सिनेरियो चल रहा है, इस स्कीम की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर कोई इस स्कीम के अंदर अप्लाई करता है और विद इन 15 डेज उसको नौकरी नहीं मिलती तो उसको कंपनसेशन देना पड़ता है। ये कंपनसेशन ना देना पड़े, इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारी स्टेट्स सप्रेस कर रही हैं डिमांड्स को, और जो वर्कर्स आ रहे हैं उनको वापस भेज रहे हैं, और बहुत सारों की पेमेंट्स भी अभी तक पेंडिंग है। ये इस पर्टिकुलर हमारे लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट ने सामने रखी हैं चीज़ें। ज़रूरत है गाइस अर्जेंसी ऑफ फंड्स की, बिकॉज अभी भी 3 महीने बाकी हैं, और ये 3 महीने वो महीने हैं जब एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है, हाई डिमांड है वर्क की 2019 के अंदर, 2020 के अंदर भी होगी, तो कैसे हम लोग उसे पूरा करेंगे। एंड स्कीम इज रनिंग आउट ऑफ मनी, एंड 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर में वो एक लायबिलिटी के साथ ही एंटर करती हुई नज़र आएगी। गाइस याद रखना कि ये जो स्कीम है MGNREGA, ये एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। सोशल सिक्योरिटी, लेबर लॉ, इन सबको अगर आप लोग देखते हैं, राइट टू वर्क का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इन एसोसिएशन विद द स्टेट गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 7 पे हमें खबर मिली, ANSI एक्सप्लोर्स एंथ्रोपोलॉजिस्ट गांधी ऑन हिज 150th बर्थ एनिवर्सरी। यहाँ पर जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जनरल है, उसने पिछले महीने जो टाइटल रिपोर्ट निकाली, उसके टाइटल था गांधीयन इनसाइड इनटू अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। इंपॉर्टेंट एसेज थे इसके अंदर गांधी जी से रिलेट करते हुए, जैसे यहाँ पर कि गांधी और नागास के बीच में, यहाँ पर कि यहाँ पर था कि गांधी जी की लीगेसी और पब्लिक हेल्थ, बात थी यहाँ पर कि ट्राइबल वेलफेयर हम लोग कैसे कर सकते हैं, गांधी जी के विचार क्या थे सैनिटेशन के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो अपने एसे पेपर के लिए। इस आर्टिकल के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस देखने को मिली। सबसे पहले गांधी जी से रिलेट करते हुए कि गांधी वॉज नॉट दी ओनली नेशनल फिगर ड्यूरिंग दिस फेज, सिर्फ एक लौते गांधी जी नहीं थे जिन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में विजिट किया, ट्राइबल रीजन में विजिट किया, पर उनकी डायरेक्शन और उनकी कैरिस्मेटिक जो पर्सनैलिटी थी, जो उनका इम्प्रेस करने का तरीका था, उसने लोगों की लाइफ में इतना गजब का इम्पैक्ट छोड़ा कि वहाँ पर गांधीयन वे ऑफ लाइफ फेमस हो गया। सिमिलरली एक कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ककाली चक्रवर्ती का कहना है कि द ट्राइब शुड बी अप्रोच्ड ऑन द बेसिस ऑफ नॉन वायलेंस। नाउ गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइंस, कि जो ट्राइब्स हैं उन्हें हम लोग को नॉन वायलेंस के माध्यम से अप्रोच करना चाहिए, जो प्रिंसिपल है डेमोक्रेटिक सोसाइटी का उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए, ट्राइबल लोगों को भी फंडामेंटल इक्वलिटी और यूनिटी का पाठ पढ़ाना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है नॉन वायलेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 10, हम लोगों को यहां पर खबर मिलती है जो रिलेट करती है आपके लिए एडिटोरियल आर्टिकल से, 4 फेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। संविधान को 70 साल हो गए, एक इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आया था हमारे लिए। यहां पर हम लोगों के सामने बहुत बड़े बड़े मुद्दे थे, उन सबको हम लोगों ने रिजॉल्व आउट किया। हम लोगों ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट अपनाया 550 प्रिंसली स्टेट्स के साथ, सोशल रिवॉल्यूशन हम लोग लेकर आए। हाउएवर इट वाज इक्वली अ यूनिक अचीवमेंट इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। पर यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको कोर्ट हमारे इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो लगातार हमें बदलते हुए नजर आए, लगातार
चेंज होते हुए नजर आए कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग यहाँ पर इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं इस आर्टिकल को आपको ब्लैक स्क्रीन पर समझाऊंगा। ओके चलिए, नंबर वन गाइस, यहाँ पर फोर फेजेस के बारे में बात की गई है। इस पूरे आर्टिकल में फोर फेजेस के बारे में बात की गई। जो पहला फेज है उसे हम लोग कहते हैं द टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच। क्या कहते हैं इसे? कहते हैं टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच। टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच का मतलब है जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको एज इट इज इंटरप्रेट करना। जैसे यहां पर एग्जांपल दिया कि के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, के गोपालन केस वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास जो 1950 का केस था, उसके अंदर इस चीज को इंटरप्रेट किया गया कि यहां पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपस में लिंक्ड नहीं है। हर एक फंडामेंटल राइट्स का एक सेपरेट कोड है और उनको हम लोगों को एक सेपरेटली ही पढ़ना चाहिए। इसे हम लोग बोलते हैं टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच। इसका मतलब जैसा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी पर्टिकुलर चीज को हमें उसी के एंगल से यहां पर पढ़ना है। सेकेंड अप्रोच आया हमारे लिए द स्ट्रक्चर अप्रोच। स्ट्रक्चर अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने मेन शेप दी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को। जब स्ट्रक्चर अप्रोच की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद भारती केस ने हमारे लिए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया। ओके, टेक्स्टुअलिस्ट अप्रोच में गाइस एक इशू ये भी था कि यहाँ पर कि पार्लियामेंट की पावर कितनी है कॉन्स्टिट्यूशन को यहाँ पर चेंज करने की या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की। स्ट्रक्चर अप्रोच ने यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट लेकर आके हमें ये बता दिया कि दे ऑल्सो हैव अ लिमिटेड पावर, यहाँ पर उनके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। थर्ड अप्रोच की तरफ जब हम लोग आगे बढ़ते हैं गाइस, थर्ड अप्रोच को बोलते हैं इक्लेक्टिसिज्म अप्रोच। मतलब इस अप्रोच में हम लोग रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ आगे बढ़ गए और रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच या बेटरमेंट ऑफ द सिटीजन की वजह से हम लोगों ने देखा कि जो नंबर ऑफ जजेस हैं उनकी संख्या भी बढ़ने लगी। यहां पर रीजंस हमारे सामने आ गए हर एक इंटरप्रिटेशन के। फोर्थ फेज की बात करें जहां पर हम लोग पर्पस के लिए काम करते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिकल और दैट पर्टिकुलर अमेंडमेंट। या इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स हैं वो किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके गए हैं, व्हाट वर देयर फीलिंग्स। अभी भी हम लोग थर्ड वाले फेज के अंदर है मैक्सिमम और हमें इन सब चीजों को सॉल्व आउट करना है, तभी हम लोग एक रियल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को सही तरीके से इंटरप्रेट कर पाएंगे। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। ओके, द फोर फेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। गाइस मूव ऑन टू द नेक्स्ट डे, हम लोग मूव ऑन करते हैं 28th of January 2020 की खबरों के साथ। सबसे पहले गवर्नमेंट ने एयर इंडिया के जो ऑफर था उनको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। जो 2018 में 76% स्टेक सेल की बात हो रही थी उसे 100% कर दिया गया है। वेवियर 15,000 करोड़ की बात हो रही थी उसे 40,000 करोड़ की बात कर दी गई है। 2018 में यहाँ पर क्लैरिटी नहीं थी कि एम्प्लॉयज़ के एंटरटेनमेंट में कैसे होंगे। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉयमेंट के पर्क्स होते हैं जैसे फ्री ट्रैवल, मेडिकल फैसिलिटीज़ अलॉन्ग विद एनुअल एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंस, उनको भी यहाँ पर देखा गया है। ओके, पहले क्या होता था कि डेटा रूम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल बिट्स के दौरान ही कि डेटा जितना भी है उनको ओपन किया जाएगा, अब शेयर परचेज के समय पर भी डेटा को ओपन किया जाएगा। ओके, यहाँ पर अगर आप एयर इंडिया के बारे में बात करोगे तो जब से एयर इंडिया यहाँ पर इंडियन एयरलाइन से मर्ज हुआ था 2005 में, उसके बाद हमें डाउनफॉल ही देखने को मिला है। ओके, बिकॉज यहाँ पर कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, प्राइवेटाइजेशन बन गया है और यहाँ पर एयर इंडिया तीन इंपॉर्टेंट ब्रांड्स में ऑपरेट करता है, दैट इज महाराजा, फ्लाइंग स्वैन और यहाँ पर सन नाम से। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम लोगों को पेज नंबर वन पे दिखाई देता है एक सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से रिलेट करते हुए। द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट रूल्स एक्सपेक्टेड टू सीक प्रूफ ऑफ रिलीजन। अब गाइज यहाँ पर हम लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो लेकर आए जिसके अंदर वो छह रिलीजियस कम्युनिटी हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, पारसीज जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हमारे देश के अंदर December 31st, 2014 के अंदर एंटर हो गए थे, उनके लिए नेचुरलाइजेशन बेसिस पे जो हम लोग यहाँ पर सिटीजनशिप प्रोवाइड करते हैं 12 साल में उसको 6 साल कर दिया गया। इस एक्ट के अंदर कहीं भी ये शब्द प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज मैंशनड ही नहीं है। बहुत सारे अपोजिशन मेंबर बार बार इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाने हैं कि आप यहाँ पर इस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करोगे कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति का क्या धर्म है।
तो यहां पर यही बात की गई कि जो रूल्स दैट विल गवर्न द एक्ट आर स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन, अभी भी उनके ऊपर बात हो रही है. सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास्ड बाई द पार्लियामेंट ऑन December 11, 2019. असम गवर्नमेंट ने यहां पर रिक्वेस्ट करी है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि वो यहां पर एक टाइम लिमिट लगाएं कि किस टाइम लिमिट तक यहां पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कि एक ओपन एंडेड स्टेटमेंट ना हो. आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ. बोडोलैंड वाला इशू हम लोगों को रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है. यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और असम गवर्नमेंट और बोडो ग्रुप ने यहां पर एक एग्रीमेंट साइन आउट किया है, जिससे यहां पर जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है, जिसको शेड्यूल नंबर 6 के अंदर बनाया गया था, जिसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चार डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ओके, आप देखोगे यहां पर खोकराझार है, यहां पर चिरांग है, यहां पर बाक्सा है और उदालगुरी है. यहां पर कुछ हमें अमेंडमेंट देखने को मिलेगा, इनको रीड्रॉ की जाएंगी इनकी बाउंड्रीज और इनको रीनेमिंग भी इनकी की जा रही है. यहां पर इस एग्रीमेंट के हिसाब से वो विलेज जो कि बोडो डोमिनेटेड हैं, वो यहां पर बीटीएडी के अंदर आ जाएंगे, जो कि अभी बीटीएडी से बाहर हैं, और जो नॉन बोडो पॉपुलेशन वाले हैं वो बीटीएडी से एक्सक्लूड किए जाएंगे. यहां पर जो बोडोज रह रहे हैं हिल्स के अंदर, उनको शेड्यूल हिल ट्राइब का स्टेटस भी ग्रांट किया जाएगा. यहां पर अभी इस एग्रीमेंट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि सिटीजनशिप और वर्क परमिट किस तरीके से मिलेगा, बट यहां पर जो बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया डिस्ट्रिक्ट है उसको रीनेम करके हम लोग बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन करने वाले हैं. तो मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट यहां पर कहता है कि जो क्रिमिनल केसेस हैं जो रजिस्टर किए गए अगेंस्ट मेंबर ऑफ NDFB, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट फॉर बोडोलैंड, जो कि एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन भी है, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बोडोलैंड की डिमांड करती थी. ओके, उनके बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने नॉन हीनियस क्राइम्स किए हैं उनको गिरफ्तार किया गया, उनके खिलाफ सारे के सारे केसेस को विड्रॉ किया जाएगा असम सरकार द्वारा, और जो कि हीनियस क्राइम्स के अंदर इन्वॉल्व हैं उनके क्राइम्स को रिव्यू किया जाएगा. आफ्टर द एग्रीमेंट जो NDRF का फैक्शन है, इट विल लीव द पाथ ऑफ वायलेंस, सेंडर कर देंगे अपने सारे के सारे वेपन्स, अपनी आम रिवॉल्यूशन को खत्म कर देंगे, डिसबैंडन कर देंगे. और यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज 1500 करोड़ रुपीस का भी देगा टू अंडरटेक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ बोडो एरियाज. गाइस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 5, खबर मिलती है कॉल फॉर बैन ऑन सरोगेट टबैको एडवर्टाइजिंग. यहां पर राजस्थान के अंदर एक बड़ी मुहिम चल रही है, राजस्थान के अंदर अब टबैको प्रोडक्ट्स को बैन करने की मुहिम हो गई है. ओके, आफ्टर द प्रेजिडेंशियल एसेंट टू द सिगरेट एंड अदर टबैको प्रोडक्ट्स अमेंडमेंट बिल, हुक्का बार्स को ओपन करना, रन करना राजस्थान के अंदर बिल्कुल तरीके से बंद हो गया है. अब यहां पर टोबैको प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने के ऊपर भी बैन लगाने की बात की जा रही है. तो टोबैको इंडस्ट्री है, इट इज लुकिंग फॉर अ न्यू कंज्यूमर्स, और वो यहां पर कैच देम यंग टैक्टिक्स को अपनाते हैं. आप कोई भी यहां पर टोबैको इंडस्ट्री देखोगे, वो यहां पर जो यंग पॉपुलेशन है उसको कैच करने की कोशिश करते हैं. ओके, तो उन्हीं सब चीज़ों को रोकने की बात हो रही है. स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर बैन भी लगाया है ऑन ई सिगरेट्स, और यहाँ पर जो पान मसाला की सेल है जिसके अंदर निकोटीन है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है या मिनरल ऑयल है, उनको भी यहाँ पर रोका गया है. ओके, वॉलेंट्री ग्रुप्स बहुत सारे कैंपेनिंग भी चल कर रहे हैं पिछले लगातार 4 सालों से. ओके, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो फिल्म एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि डायरेक्टली प्रमोट करते हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन हो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, पेज नंबर 8, खबर मिलती है आंध्र प्रदेश असेंबली अडॉप्ट्स रिजोल्यूशन टू एबॉलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल. लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश करने के लिए रिजोल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है. यहाँ पर जो रिजोल्यूशन किया वो आर्टिकल 169 अंडर क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर किया. 133 मेंबर्स ऑफ आउट ऑफ दोज प्रेजेंट एंड वोटिंग गेव देयर कंसेंट फॉर द एबॉलिशन ऑफ द काउंसिल. आफ्टर द इनिशियली पुटिंग द नंबर एट 121, इट वॉज अनहेंस टू 133. ये आर्टिकल मैंने आप लोगों को 26 जनवरी की डेट को भी समझाया था. मैं आपको इसको एक और आपको एक हाईलाइट दे देता हूँ. गाइस, जब भी लेजिस्लेटिव काउंसिल का एबॉलिशन होता है, सबसे पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल हमारे देश में सिर्फ 6 स्टेट्स के अंदर है, पहले 7 थी, जम्मू कश्मीर को हटा दिया. मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई थी, दैट इज तम्बाकू. आप लोगों को इन सारी स्टेट्स के नाम नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं. इनको रिमूव या फिर यहाँ पर बनाने का जो प्रोसीजर है, जो फॉर्मेशन का प्रोसीजर है, वो किस तरीके से होता है. तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो स्पेशल मेजॉरिटी से, स्पेशल मेजॉरिटी मतलब यहाँ पर 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, वो पास करते हैं. फिर ये पार्लियामेंट के अंदर जाता है, लोकसभा राज्यसभा पास करते हैं, और लोकसभा राज्यसभा को यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से पास करना होता है, और फिर यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, रिमूव हो जाती है लेजिस्लेटिव काउंसिल.
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल पेज नंबर 9, खबर मिलती है मेजर गैप्स इन आर नॉलेज ऑफ कोरोना वायरस ओरिजिन। रिपोर्ट का यहाँ पर कहना है, हमारे सामने एक स्टडी आई है, स्टडी की टाइटल है क्लिनिकल फीचर ऑफ पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद 2019 नोवल कोरोना वायरस इन वुहान चाइना। उसने यहाँ पर बोला है कि जो 2019 का एनसीओवी इन्फेक्शन है वो बहुत सारे क्लस्टर सेवरल रेस्पिरेटरी इलनेस के बिल्कुल जैसा है, चाहे वो यहाँ पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो या मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें सब में अलग हैं। अभी भी हम लोग नहीं समझ पाए हैं एनसीओवी किस तरीके से ओरिजिन हुआ, ह्यूमन ट्रांसमिशन कैसे हुआ, क्लिनिकल स्पेक्ट्रम अभी भी यहाँ पे देखे जा रहे हैं, देश के अंदर बैन लगाए गए हैं, चाइना भी यहाँ पर जो एयर ट्रैवल है उसके ऊपर बैन लगाया हुआ है, तो सब चीज़ों के ऊपर हमें बात करनी है। ओके, यहाँ पर जो 27 ऑफ 41 पेशेंट्स जो कि एक्सपोज हुए ह्यूनान सी फूड मार्केट से, वो यहाँ पर देखे गए कि उनकी वजह से हो रहा है, कॉमन सिम्टम्स हैं, तो यहाँ पर अभी भी कन्फ्यूजन चल रही है। गाइस, खबर पेज नंबर 10 पे एडिटोरियल सेक्शन क्राइम एंड पॉलिटिक्स की देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन अ टाइमली डिसीजन बाय एग्रिंग टू हियर अ प्ली ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चाहता है कि जिन पर्टिकुलर क्रिमिनल्स का एंटीसीडेंट्स है उनको पोलिटिकल पार्टी टिकट्स ना दें। और यहाँ पर एक और चीज़ आई कि 46% जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। नंबर माइट बी इन्फ्लेटेड एज मेनी पॉलिटिशियंस टेंड्स टू बी चार्ज विद रिलेटिवली माइनर ऑफेंसेस, जैसे अनलॉफुल असेंबली या डिफेमेशन के चार्ज लग जाते हैं। बट यहाँ पर धीरे धीरे हम कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ वोटर्स यहाँ पर इन चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, कुछ वोटर्स यहाँ पर इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। ओके, बिकॉज यहाँ पर कुछ बाय हुक और बाय कुक जो मेन जो इनका जो मोटिव रहता है पॉलिटिशियंस का, वो जीतना होता है। ओके, कोई भी यहाँ पर वोटर कैंडिडेट्स को पनिश नहीं करने की कोशिश करता। सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट और लैंडमार्क जजमेंट्स के साथ आई थी इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए, जैसे इट रिमूव द स्टेटरी प्रोटेक्शन ऑफ कन्विक्टेड लेजिस्लेटर्स फॉर इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन इन 2013 एज वेल एज इन 2014। यहाँ पर डायरेक्ट किया गया था कि जो ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट किया जाए विद इन अ ईयर। 2017 के अंदर सेंटर को बोला गया था कि आप फ्रेम करो, अपॉइंट करो कुछ स्पेशल कोर्ट्स एक्सक्लूसिवली यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस के ट्रायल जो केसेस हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, एंड द पॉलिटिकल पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पब्लिसाइज करें पेंडिंग क्रिमिनल केसेस जो उनके कैंडिडेट्स के खिलाफ चल रहे हैं। ओके, कि वो सबके सामने रखें। परहैप्स व्हाट वुड डू द ट्रिक इज अ रूल दैट डिसअलाउड कैंडिडेट्स अगेंस्ट हुम चार्जेस हैव बीन फ्रेम्ड इन कोर्ट फॉर सीरियस अवेंट। पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए हमें अमेंडमेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर भी लाना पड़ेगा। ओके, तो अल्टीमेटली दिस इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो कि हमारी डेमोक्रेसी की है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे देश के अंदर चीज़ें इवॉल्व हुई हैं पॉलिटिक्स के अंदर, वो एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। ओके, जो इंस्टीट्यूशन है स्टेट का, इट आर प्रेजेंट एंड सब्जेक्ट टू इलेक्टोरल विल ऑफ द पीपल, और वो हम ही लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर चुन के भेजा है क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट के अंदर। अगर हमें डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स करनी है तो सबसे पहले वोटर एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। आज के सेशन में बस इतनी खबरें थी गाइस, आपको कैसा लगा लाइक का बटन दबाकर मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। सेशन को यहीं एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस, एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर।